नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और आप सभी का कैरियर टेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जुलाई एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनका एग्जाम होगा, तो देखिए आपकी डेट शीट आ चुकी है। बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं कि 11 सितंबर से, याद कर लीजिए, 11 सितंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहा करता था कि आपकी परीक्षा सितंबर में होगी, ये देखिए 11 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। और तो एक चीज और कहना चाहते हैं कि अभी आपको जो पुराने सिलेबस के विद्यार्थी हैं उनके पास एक ऑप्शन और है कि अगर वो पुराने सिलेबस का परीक्षा देना चाहे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, और बाकी नए वाले बच्चे बिल्कुल नई परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल याद कर लीजिए, 11 सितंबर से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और इसके बाद ये देखिए 11 सितंबर 2021 से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। जुलाई 2021 का एग्जाम कोविड की वजह से परीक्षा लेट है, 11 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं कि ओल्ड स्टूडेंट्स को भी इसका एक फायदा मिल रहा है कि वो एक चांस उनके पास और है कि वो पुराने सिलेबस से भी परीक्षा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ 25 सितंबर को याद रखिएगा, 25 सितंबर से एग्जाम होगा, 25 सितंबर को प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल की परीक्षा जो है वो 25 सितंबर को होगी, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर को लॉक करने की भी डेट आ चुकी है, पेपर को भी आप लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल शेड्यूल है, यहाँ पे ये सारे शेड्यूल्स आपको दिए गए, सारे पेपर आपके ओ लेवल के आफ्टरनून में होते हैं, आपको बिल्कुल पता है। ठीक है, और इसके अलावा पेपर को लॉक करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट 15 जून 2021, याद रखिएगा, कल से यानी 1 जून से आप अपना पेपर लॉक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट हैं तो खुद से लॉक कर लीजिए, और अगर आप इंस्टीट्यूट के हैं तो आप इंस्टीट्यूट में अपनी फीस आप डिपॉजिट कर दीजिए, इंस्टीट्यूट में आपका फॉर्म वो भर देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, 15 जून 2021 लास्ट डेट है, 11 सितंबर से आपकी परीक्षा होगी जुलाई 2021 की सेशन की। मैं आपका इसका बिल्कुल प्रूफ भी दिखा देता हूं। चलिए आइए, प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमारे देखिए हमने यहां पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिखा, यहां पे कैंडिडेट टाइप का सेलेक्ट किया, यहां पे यूजर आईडी, और ये रहा हमारा पासवर्ड। ओके, ये रहा हमारा यहां पे पासवर्ड, ये लिख दिया यहां पे, और ये कैप्चा हमने लिखा 615443। एक बात याद रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट छात्र हो तो आपको खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आप अपनी केवल फीस उनको डिपॉजिट करिए, बाकी फॉर्म भरने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है। यहां से हमने देखिए क्या कर लिया, देखिए कैंडिडेट का कैंडिडेट, ये यूजर आईडी, ये पासवर्ड, ये हमने कैप्चा डाल दिया, यहां पे हमने लॉग इन कर दिया। ओके, ये देखिए यहां पे आते हैं, आपका सीधे सीधे देखिए यहां पे, जब आप यहां पे आप देखेंगे प्रिंट टाइम टेबल, देखिए ये आपका बिल्कुल साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ, लास्ट डेट ऑफ जुलाई 2021, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून 2021, ये लास्ट डेट है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा। और यहां से आप बिल्कुल टाइम टेबल भी देखना चाहें तो आप यहां पे टाइम टेबल आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे ये बिल्कुल टाइम टेबल आपका आ गया है, यहां पे ये टाइम टेबल है, 11 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट हो रही है जुलाई की, 11 सितंबर 2021 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहे तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं तो अपना फॉर्म आप खुद भरिएगा, अगर आप इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है तो आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट से भरा जाएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। बाकी आपकी लाइव क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चल रही है, आप यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको सारे पेपर्स आपको फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, आईटी वेब, सारे आईटी वेब, पाइथन और आईटी की सारी क्लासेस यहां पे चल रही है। एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका दो पेपर अगर निकल चुका है तो आप सारे पेपर लॉक करिए, अपने बचे हुए पेपर लॉक करिए, अगर दो पेपर निकल चुका है बचे हुए पेपर लॉक करिए, प्रैक्टिकल जरूर दीजिए, साथ ही साथ अपना प्रोजेक्ट जरूर जमा करा दीजिए कि जिससे आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जब कभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जल्दी आपके हाथों में होगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।